अब रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉन्फिडेंस जो है वो सातवें आसमान पर है। तभी तो जब चाहे वो जिसे चाहे मूसेवाला जैसा हश्र करने की वो धमकी देता है। अब एक्टर सलमान खान के बाद अब इस गैंग के निशाने पर है राज्यसभा सांसद संजय राउत। देखिए सलमान के बाद लॉरेंस गैंग का नया टारगेट, राउत पर बिश्नोई गैंग की टेढ़ी नजर। लॉरेंस को आया राउत पर गुस्सा। एक्टर सलमान खान के बाद अब बिश्नोई गैंग की नजर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने संजय राउत को जान से मारने की धमकी दी है और धमकी भरे संदेश में गैंग ने लिखा है कि मूसेवाला की तरह हाल होगा, दिल्ली में मिला तो AK-47 से उड़ा दूंगा, तू और सलमान फिक्स है। धमकी भरा खत मिलने के बाद संजय राउत के भाई ने मुंबई में इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने पुणे से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जिसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। धमकी मिलने पर संजय राउत का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने मौजूदा महाराष्ट्र सरकार पर सुरक्षा घटाने का आरोप लगाया। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बारे में। एक तो ये सरकार आने के बाद हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से हटाई गई, लेकिन मैंने कभी उस बारे में कंप्लेंट नहीं की। ये आपकी मर्जी है। मैंने कभी मेरी सुरक्षा के बारे में ना किसी को पत्र लिखा है ना कुछ किया है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का बेटा एक साजिश करता है एक गुंडे के साथ मेरे पे हमला करने की। इस बारे में जब मैं जानकारी देता हूँ गृह मंत्री को तो बोलता है ये स्टंट है। तो आपके घर में जो होता है वो स्टैंड नहीं है, आप उसके लिए एसआईटी स्थापन करते हो, लोगों को पकड़ कर लेके आते हो, वो तो सबसे बड़ा स्टैंड है फिर। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। संजय राउत से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टर सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे चुकी है। बिश्नोई गैंग ने बीते साल सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को भी धमकी भरा पत्र भेजा था। ये धमकी भरा पत्र सलमान खान के घर के बाहर मिला था और इसे लेकर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी की थी। चलिए अब आपको बिश्नोई गैंग की सलमान से दुश्मनी की वजह भी समझाते हैं। सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार मामले में आरोपी थे। हालांकि बाद में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से बरी कर दिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पूजता है। यही वजह है कि सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दी जा रही है और माफी मांगने की मांग की जा रही है। वहीं मूसेवाला के मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का आरोप है। ऐसे में बिश्नोई गैंग की इन धमकियों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।